is me, Karina, back with another Amazon Fashion Haul video, and I am so excited to share with you guys कि आज मैंने अपने फैशन हॉल में क्या क्या लिया है. As you guys know कि 26 जनवरी आने वाला है और Amazon में बहुत बड़ा रिपब्लिक डे का सेल शुरू हो चुका है. तो अगर आप लोग यू नो बहुत टाइम से कुछ भी चीजें शॉर्टलिस्ट करके रखे हो, लाइक एनी फैशन प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दोज प्रोडक्ट्स अभी ये टाइम पे, बिकॉज अभी बहुत अच्छा सेल चल रहा है Amazon पे. एंड अभी मैं जो भी प्रोडक्ट फैशन के प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी वो सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो. सो विदाउट टॉकिंग फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद दिस टॉप. यू गाइस आप देख सकते हो ये टॉप कितना ज्यादा प्रिटी है. दिस इज लाइक इन अ लैवेंडर कलर, बहुत लाइट लैवेंडर कलर में है, थोड़ा पिंकिश टोन भी है इसमें, लाइट बेबी पिंक बट मोर लाइक लैवेंडर. तो आप लोग देख सकते हो इसका पैटर्न कैसा है, लाइक ऐसे आपको बलून स्लीव मिल जाता है एंड इधर आपको कॉर्सेट जैसा पैटर्न दिया गया है, इधर आपको ऐसे लेस मिल जाते हैं तो आप उसे ऐसे टाई कर सकते हो एंड इधर पूरा आपको रबर दिया गया है तो आपको ये मतलब वेस्ट में बहुत अच्छा फिट हो जाएगा एंड इधर चेस्ट के पास थोड़ा सा मतलब यू नो लूज पैटर्न है. तो ऐसे वाले लुक वाले टॉप्स ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं. एंड आई बॉट अ फ्यू कैजुअलिटीज़, मुझे ना कैजुअलिटीज़ अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा. तो दिस इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी विच आई पिक्ड. इधर इसमें लिखा है एम मूड, तो ये कुछ ऐसा पीच, एकदम लाइट पीच कलर में है एंड ऐसे सिंपल सा कैजुअल सा टी शर्ट है. लाइक मुझे सिंपल ऐसे कैजुअल टी शर्ट अच्छे लगते हैं बट सामने से कुछ प्रिंट होते हैं ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है. तो ये बहुत लूज काइंड ऑफ है, मतलब ये वाला कैजुअलिटी ऐसे टाइट नहीं है, थोड़ा लूज है. तो मुझे ऐसे लूज वाले क्रॉप टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड इसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, पूरा कॉटन मटेरियल में है. द सेकेंड टी शर्ट इज दिस. सो दिस इज अ वाइट कैजुअलिटी. आप अगेन देख सकते हो कि सामने ऐसे प्रिंट दिया गया है, इधर लिखा है कि आई डोंट नीड यू, आई हैव वाईफाई. सो ये वाला एक प्रिंट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड ये भी थोड़ा लूज ही है बट दिस इज नॉट क्रॉप, ये नॉर्मल साइज होता है वैसा ही, ये क्रॉप नहीं है बट स्टिल मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. नॉर्मल साइज वाले जो टी शर्ट होते हैं मैं पीछे से थोड़ा यू नो टक इन कर देती हूँ पैंट में तो सामने से बहुत अच्छा लुक आता है. इवन द क्वालिटी इज सुपर अमेजिंग, बहुत अच्छा क्वालिटी है. नेक्स्ट कैजुअल टी शर्ट इज दिस. सो आप देख सकते हो ये थोड़ा यू नो ब्लू कलर में है बट थोड़ा फेडेड ब्लू होता है वैसा कलर है. इसमें लिखा है सामने आई एम नॉट द टाइप ऑफ वुमेन यू कांट कंट्रोल. सो ये वाला प्रिंट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो मतलब टेक्स्ट लिखा है मेरे को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड आप देख सकते हो ये पूरा क्रोम वाला प्रिंट है, ये ऐसे नॉर्मल वाला प्रिंट नहीं है तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये पिक किया. ये पूरा ऐसे अप नेक है एंड हाफ स्लीव है एंड अगेन दिस इज नॉट क्रॉप, ये आपको फुल साइज में मिल जाता है. द नेक्स्ट टी शर्ट इज रियली कूल यू गाइज. आप देख सकते हो ये वाला ओवर साइज टी शर्ट है तो सामने ऐसे आपको एक डॉगी का प्रिंट मिल जाता है एंड द कलर मेरे को इसका कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक पूरा लैवेंडर कलर में है एंड नेक में आप देख सकते हो व्हाइट कलर का लाइनिंग दिया गया है, सामने भी व्हाइट कलर का प्रिंट है एंड देन ब्लैक कलर का डॉगी वाला प्रिंट है एंड स्लीव भी आप देख सकते हो बहुत ओवर साइज स्लीव है, लाइक यहाँ तक आता है मेरे को एंड बहुत लूज टी शर्ट है. ऐसे मेरे को ना लूज टी शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अभी के टाइम पे ऐसे लूज टी शर्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं तो मैंने ये वाला पिक किया. टोटली लव इट, इवन द क्वालिटी इज़ रियली नाइस, वेरी कंफर्टेबल. द नेक्स्ट टी शर्ट विच आई बॉट इज दिस वन यू गाइज. तो ये पूरा ब्लैक सा कैजुअल टी शर्ट है बट दिस लाइक अ हुडी टी शर्ट बट स्लीवलेस. तो आप देख सकते हो कि इसमें आपको हुडी मिल जाता है, सामने आपको ऐसे जो टाई करने वाला होता है वो मिल जाता है, स्लीवलेस है एंड फुल साइज का है. ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्वालिटी वाइज एवरीथिंग इज परफेक्ट बट स्लीव के पास मेरे को थोड़ा यू नो प्रॉब्लम हो रहा है. आई डोंट नो, स्लीवलेस है बट स्टिल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ द साइज मैंने ये स्मॉल में लिया, आई थिंक मुझे ये मीडियम में लेना पड़ेगा. सो या देखते हैं अभी. द नेक्स्ट टॉप विच आई बॉट इज दिस वन यू गाइज. सो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा टी शर्ट है, लाइक सामने से ऐसे सीधा रहेगा एंड पीछे से आपको ऐसा क्रॉस पैटर्न मिल जाता है, दिखने में एकदम टाइनी सा है बट आप पहनोगे तो ये आपको एकदम फिट हो जाएगा. सो ये पूरा वुलन मटेरियल का है, इसको कलर के लिए ही स्पेशली लिया बिकॉज येलो कलर के टॉप्स मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इसका मुझे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. इवन जो ऊपर का यू नो पैटर्न है वो भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लुक देता है आपको. द नेक्स्ट टॉप इज दिस वन यू गाइज. ये भी मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक मैंने एक्चुअली इसमें दूसरा कलर में लिया था, आई थिंक ब्लू, लाइट ब्लू कलर में बट दे सेंड मी दिस वन, बट ये कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. आपको अंदर ऐसे पैडिंग मिल जाता है ना, आप पैटर्न देख सकते हो कि ऐसा कुछ नेक मिल जाता है आपको एंड देन इधर ऐसे तीन बटन हैं तो आप जब भी वेयर करते हो ये बहुत स्टाइलिश लगता है एंड पीछे से कुछ ऐसा मिल जाता है आपको एंड पूरा ऐसे पतला सा स्लिप है इसमें एंड क्वालिटी आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल क्वालिटी है. नेक्स्ट आई बॉट अ कपल ऑफ जैकेट्स यू गाइज. फर्स्ट आई विल शो यू दिस डेनिम जैकेट.
तो मैंने अमेजोन से बहुत सारे डेनिम जैकेट्स ट्राई किए हैं, वाइट कलर में, ब्लैक कलर में, एंड आई थिंक और भी किए हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो सब. तो आई थॉट कि आई जस्ट गिव इट अ ट्राई, मैं ये ऐसे वाले एक डेनिम जैकेट लेके देखूंगी. तो ये वाला मैंने पिक किया, बहुत अच्छा क्वालिटी है गाइस, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. बट द ओनली थिंग आई डिसलाइक्ड इज इट्स कलर. इन रियल लाइफ इट इज़ अ लिटिल डल. तो ऐसे भी मतलब कलर के डेनिम जैकेट मिलते हैं, लोग पहनते हैं, अच्छा लगता है. सो या इसका कलर भी अच्छा है, द क्वालिटी इज़ रियली नाइस. सामने से कुछ ऐसा पैटर्न मिल जाता है आपको. मैंने ये स्मॉल साइज में लिया, बट स्टिल मेरे को ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है. द सेकेंड जैकेट इज दिस वन यू गाइस. तो ये जो चीको आई थिंक ब्रांड का नाम है, ये वाले ब्रांड का मैंने पहले भी जैकेट ट्राई किया है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. लाइक द क्वालिटी, द फिटिंग, द लुक एंड एवरीथिंग इट वॉज जस्ट परफेक्ट. सो आई वॉज रियली इन लव विद दैट जैकेट. आई थॉट कि जिम के लिए मैं और एक ले लेती हूँ. दिस फिट्स जस्ट परफेक्ट, इतना अच्छा फिटिंग है इसका. लाइक जब भी आप इसे वेयर करते हो तो एकदम स्पोर्ट्स लुक आता है, लाइक यू लुक लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन. द क्वालिटी इज रियली नाइस, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. एंड पैटर्न मेरे को इसका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. आप साइड से देख सकते हो ऐसे रेड कलर का कुछ दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा लुक देता है. एंड आपको फुल स्लीव मिल जाता है, प्लस ये थंब कट वाला यू नो पैटर्न है. सामने से आपको ऐसे दो पॉकेट मिल जाते हैं साइड में. सो लास्ट प्रोडक्ट इज दिस वन यू गाइस. दिस इज अ टोटली वाइट जीन्स. आई थॉट कि आई जस्ट गेट वन, बिकॉज मैंने अभी देखा है कि वाइट जीन्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है. पीपल आर स्टाइलिंग वाइट जीन्स इन सच क्रिएटिव वेज. तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट वन. तो ये वाला मैंने पिक किया, ये आप देख सकते हो पूरा नारो बॉटम का वाइट जीन्स है. क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड मैंने ये 28 में पिक किया. फिटिंग भी परफेक्ट है, जस्ट परफेक्ट, बट नीचे से थोड़ा सा मोटा लग रहा है. सो आई थिंक मैं थोड़ा सा इधर नीचे से फिटिंग करवा लूँगी. देन द क्वालिटी इज रियली नाइस, पूरा कॉटन है. ऐसे हाई वेस्ट जीन्स मिलना मुश्किल हो जाते हैं, बट दिस इज रियली परफेक्ट. फिटिंग वाइज एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो लेट मी नो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लाइक दिस. सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो. टाटा.